मध्य प्रदेश बीजेपी प्रभारी पी मुरलीधर राव ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को साइबेरियन पक्षी करार दे दिया है। मुरलीधर राव ने कहा है कि भाई बहन चुनाव के समय ही सिर्फ दिखाई देते हैं। तो कांग्रेस पर निशाना साधा गया और ये कहा कि पूरी कांग्रेस 7 लोगों तक सीमित हो गई। आइए दिखाते हैं खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने प्रियंका गांधी के जबलपुर दौरे के बाद मंगलवार को तीखा हमला बोला। प्रभारी मुरलीधर राव ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को साइबेरियन पक्षी करार दिया। उन्होंने कहा कि देश विदेश में घूमने फिरने के बाद राहुल और प्रियंका चुनाव आते ही शंखनाद करने चले आते हैं। और श्रीमती प्रियंका वद्रा कितने बार आती है, चुनाव आ रही है शंखनाद करने आती है, फिर बाद में फिर चुनाव आ रही है फिर शंखनाद करने आती है। ये साइबेरिया की जो पक्षी आते हैं वैसा ही कांग्रेस की नेता ये राहुल गांधी और ये दुनिया में घूमते घूमते एक बार चक्कर लगाते हैं। तो ये माइग्रेंट बर्ड्स टाइप का ये नेता है कांग्रेस पार्टी का। इनको जनता से मैं भी लड़की हूँ करके आके एक बार कोई पहले अभियान करके चली गई। मुरलीधर राव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल 7 लोगों में सिमट कर रह गई है। राष्ट्रीय स्तर पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक पार्टी सीमित हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश में कमलनाथ, नकुलनाथ और दिग्विजय सिंह, जयवर्धन सिंह तक पार्टी सिमट गई है। मुरलीधर राव के बयान पर कांग्रेस ने कहा कि उनका बयान उनके संगठन की गंदी मानसिकता को दर्शाता है। जो मुरलीधर राव जी ने राहुल जी, प्रियंका जी के बारे में अपशब्द कहे वो उनकी और उनके संगठन की गंदी मानसिकता को दर्शाता और बताता है कि आप और आपका संगठन कितना गंदगी से भरे हैं। विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर मुरलीधर राव ने कहा कि पार्टी को वर्तमान विधायकों से कोई गुरेज नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा में हमेशा पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखकर टिकट बांटे जाते हैं। इस बार भी कार्यकर्ताओं की पसंद पर ही टिकट बांटे जाएंगे। टीकमगढ़ से पुष्पेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट।